मेरा यूट्यूब चैनल नेचुरल बी कीपिंग में आपका स्वागतम है। मेरा ये चैनल में दिखाया जाता है एपिस सेरेना इंडिका देशी मधुमक्खी घर में आसानी से कैसे पालन किया जाता है विदाउट माइग्रेशन, और नेचुरल परिवेश से कैसे कैप्चर करके आर्टिफिशियल कृत्रिम बॉक्स में डाला जाता है। ये बीहाइव बॉक्स के ऊपर मैंने 12 दिन पहले हनी चैम्बर ऐड किया था फाउंडेशन शीट लगा के 8 फ्रेम सहित। आज मैं चेक कर रहा हूँ मैक्सिमम फ्रेम शहद नेक्टर और पलेन से भरा हुआ है और क्वीन ने भी अंडे दिया है, क्योंकि अभी सीजन बहुत अच्छा चल रहा है, बाहर बहुत नेक्टर और पलेन अवेलेबल है। और मैं चेक किया ड्रोन भी बहुत हुआ है और ब्रूड चैम्बर में क्वीन सेल भी हुआ है, इसलिए मैं आज डिवीजन करूँगा, दूसरा बीहाइव बनाऊँगा इस बीहाइव कॉलोनी से। मैं चेक कर रहा हूँ क्वीन सेल, और क्वीन को भी आपको चेक करना है। आप जब भी डिवीजन करें तो क्वीन को हमेशा पुराना बीहाइव बॉक्स में रखना है। ये देखिए शहद ही शहद है सभी फ्रेम में। मैं आज शहद भी कलेक्ट करूँगा और डिवीजन भी करूँगा। मैं पुराना बीहाइव बॉक्स को 2 मीटर दूर रख रहा हूँ और नया बीहाइव बॉक्स को पुराना बीहाइव बॉक्स जहाँ था वहाँ रखूँगा। बाहर जो मधुमक्खी नेक्टर और पलेन के लिए गया था वो मेरा नया बीहाइव बॉक्स में आएगा। ये देखिए मैं फ्रेम डाल रहा हूँ, शहद हमारा हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद है हम सब जानते हैं, लेकिन आजकल ओरिजिनल शहद मिलना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा आप भी घर में 1 या 2 बीहाइव बॉक्स रखें और मधुमक्खी का संरक्षण करें और ओरिजिनल ऑर्गेनिक शहद भी खा पाओगी आप। ये मधुमक्खी हमारा प्रकृति के लिए बहुत ही उपकारी पतंग है। ये देखिए इसमें क्वीन सेल है, नीचे क्वीन सेल है और इसमें क्वीन भी नहीं है, इसलिए मैं ये फ्रेम नया बीहाइव बॉक्स में डालूँगा। एक बीहाइव बॉक्स से आपको एपिस सेरेना इंडिका देशी मधुमक्खी का जो बॉक्स है आसानी से आपको पर ईयर 6-7 किलो शहद मिल जाएगा। ये देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, अगर आप भी मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो आप भी आसानी से पालन कर सकते हैं। ऑनलाइन में बीहाइव बॉक्स अवेलेबल मिलता है और आपको मधुमक्खी खरीदना भी नहीं पड़ेगा। ये एपिस सेरेना इंडिका देशी मधुमक्खी हमारा ये एशिया मुल्क में अवेलेबल मिलता है प्रकृति में। अगर आप थोड़ा सा टेक्निक सीख ले तो आप भी आसानी से कैप्चर कर पाओगी। ये देखिए बहुत ही मधुमक्खी है इस फ्रेम में और ड्रोन भी है। क्वीन चेक कर रहा हूँ, अगर क्वीन इसमें मिलेगा तो मैं ये
पुराना बिहाइव बॉक्स में डालूंगा। आपको अच्छी तरह चेक करना है क्वीन को। इसमें क्वीन है इसलिए मैं इसको पुराना बिहाइव बॉक्स में डाल रहा हूँ। प्लीज़ मेरा ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं घर का बरामदा में रख दिया है ये बिहाइव बॉक्स। मुझे कोई परेशानी नहीं होता है। ये मधुमक्खी आपको माइग्रेशन भी नहीं करना है। ये देखिए मेरा डिवीज़न सक्सेस हुआ है।